रायपुर से एक खबर है जहां कांग्रेस आज से भरवा रही है नारी न्याय गारंटी का फॉर्म। शहर के चारों विधानसभाओं से इसकी शुरुआत हो चुकी है। कबीर नगर चौक में कार्यक्रम, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय भी मौजूद हैं। लाखे नगर में भी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। नारी न्याय गारंटी के तहत महिलाओं को 1 लाख सालाना देने का वादा किया गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के पहले बड़ा दांव चला, नारी न्याय गारंटी का फॉर्म कांग्रेस आज से भरवाने की शुरुआत कर रही है। तस्वीर राजधानी के रामनगर के कबीर चौक की, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी विकास उपाध्याय स्वयं महिलाओं से फॉर्म भरवाकर इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो 1 लाख रुपए सालाना उन्हें दिया जाएगा, 8,883 रुपए की राशि दी जाएगी। और महिलाओं का जो उत्साह यहां पर, वो यहां पर प्रदर्शित हो रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई है और जो महिलाएं हैं वो विकास उपाध्याय के माध्यम से फॉर्म भरवा रही कि सुनिश्चित कर रही कि उन्हें राशि मिल सके। विकास जी से जानने की कोशिश करेंगे, ये आप लोग जो फॉर्म भरवा रहे हैं कितना उत्साह है इसको लेकर? देखिए, जिस प्रकार से महिला बहनें लगातार फॉर्म ले रही हैं, अब हर जगह मोहल्ले में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इन फॉर्मों को घर में ले जाएंगे, बांटेंगे और उसके बाद इनके फॉर्म को भरा जाएगा और इनके तमाम जो जानकारियां उसको लेकर कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेस का एमपी जीतेगा तो इनको इनके अकाउंट में 8,500 रुपया, 8,335 रुपया उनके अकाउंट में सीधा मिलेगा। महिला बहनों को फायदा पहुंचाने के लिए आज तकलीफ है, इसलिए महिला बहनें आई हैं, फॉर्म के लिए खड़ी हैं। क्यों खड़ी हैं? भारतीय जनता पार्टी की 9 साल से सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि महंगाई कम होगी, लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही। हम उस महंगाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इस महंगाई की लड़ाई में महिला बहनों के साथ खड़ी है, उनको मदद करने के लिए खड़ी है। हमारी गारंटी, हमारी योजना, मतलब मजबूत इरादा, पक्का वादा। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार है, गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से महिला बहनों के अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है। कर्नाटक में हमारी सरकार है, गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से सीधा महिला बहनों के अकाउंट में पैसा जा रहा है। तेलंगाना में हमारी सरकार है, सीधा महिला बहनों के अकाउंट में पैसा जा रहा है। हम झूठ बोलकर काम नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी, मतलब राशन कार्ड अगर आज किसी ने दिया इस देश को, किसी ने राशन कार्ड बताया, कांग्रेस पार्टी ने बताया है। कांग्रेस की गारंटी, मतलब कांग्रेस पार्टी की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, गारंटी के साथ उनको उनके अकाउंट में पैसा मिलेगा, ये गारंटी है ये। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही कि विश्वसनीयता का आप लोगों को संकट है, आप लोग भले बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपए देंगे, जनता मान नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में और केंद्र में दोनों जगह है। राज्य के चुनाव होने के पहले उन लोगों ने वादा किया था 1,000 रुपया हर महिला बहन को मिलेगी। एक घर में 3 बहन महिला हैं, सास है, बहू है, बेटी है, तीनों को मिलेगा। एक घर में एक महिला को भी नहीं मिला है। 20% महिलाओं को भी फॉर्म नहीं भरा मिला। और चुनाव खत्म हुए 3 महीना हो गया, उन लोगों ने वादा किया था चुनाव जीतते साथ, शपथ लेते साथ, हम सबसे पहले महिला बहनों के अकाउंट में पैसा डालेंगे, लेकिन कोई पैसा नहीं आया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा खिलाफी, धोखाधड़ी और बेईमानी महिला बहनों के साथ की है। हम उनको फायदा देने का काम, विश्वसनीयता तो उनकी खत्म हो चुकी है। महिला बहनें केवाईसी के लिए बैंक की कतारों में खड़ी है, लाइन लगा रही है, लेकिन फायदा कुछ नहीं मिल रहा है। हम उनको मदद करने के लिए आज इस अभियान के माध्यम से उनको मदद देने जा रहे हैं। तो आज से कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी का फॉर्म भरवाने की शुरुआत कर दी है। उनके हाथ में जो है ये फॉर्म देखा जा सकता है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ममता राय भी नजर आ रही है। तमाम जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म भरवाने की जो शुरुआत है आज से की जा रही है। इसके बाद रायपुर लोकसभा के साथ साथ सभी लोकसभा क्षेत्रों में फॉर्म भरवाएगी कांग्रेस। निश्चित रूप से इसका क्या असर होगा ये तो 4 जून को परिणाम के साथ पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की मंशा है कि ये भी अभियान जो है वो गेम चेंजर साबित हो। कैमरामैन मिल्किन सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर।